माँ अहिल्या की नगरी इंदौर, देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर। इंदौर वो शहर है जिसे जायकों का शहर भी कहा जाता है। और जब आप इंदौर पहुंचते हैं तो सबसे पहले जायका लेने पहुंचते हैं 56 दुकान पर। निश्चित रूप से ये वो जगह है जिसे ये कहा जा सकता है कि सारी दुनिया का स्वाद शायद इस 56 दुकान में ही आकर बस गया है। 56 दुकान पर अक्सर लोग शाम को, दोपहर में, दिन में कभी भी आते हैं और यहाँ से वहां तक, जहां तक आपकी नजरें जाती हैं, स्वाद का अंबार है यहाँ पर। आज शहर में अगर मैं घूमने को आया हूँ तो गुंजन भाई मेरे साथ होंगे और गुंजन भाई 56 की वो हर स्पेशलिटी बताएंगे कि दरअसल में इंदौर का स्वाद कहाँ कहाँ बसता है। सर, स्वाद का शहर तो है ये, स्वाद का शहर है, और शहर के बीच में जो 56 है ये स्वाद के लिए अपने आप में परिपूर्ण है। क्योंकि कहा यह जाता है कि यदि आप 56 आते हैं और यहाँ ना आए तो आपका 56 आना बेकार हो। जी, शहर में नहीं, मैं समझता हूँ कि पूरे देश में ये जो पेटीज बना रहे हैं शायद उस पेटीज की बराबरी कई लोगों ने कॉपी की होगी, पर बनाना बमुश्किल था क्योंकि तीसरी पीढ़ी इनकी अभी तक पेटीज बनाने के लिए यहाँ पर खड़ी है। तीसरी पीढ़ी का पेटिस यहाँ बनता है। अब मैं पेटिस को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ कि दरअसल में पेटिस होता क्या है। इसे कहते हैं पेटिस। नॉर्मली शायद दिल्ली और दूसरी जगहों पर पेटी का या पेटिस का स्वरूप अलग होता है, लेकिन मेरे शहर का स्वरूप बहुत अलग है और इसका स्वाद कैसा है वो चखने के लिए मैं अंदर ही चलूंगा। सर, बाहर से बात करके आ रहा हूँ, लोग तो कह रहे हैं कि ऐसा स्वाद तो दुनिया में कहीं नहीं है। नहीं, ये तो बस ग्राहक का प्रेम है। हमारे इस खास प्रोग्राम अपना स्वाद अपना शहर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश जैन। आज हम पहुंचे हैं भोपाल, और भोपाल में आज हम आपको एक साथ कई झलकियां दिखाने वाले हैं। चूंकि पुराने भोपाल की आज हम सैर करेंगे, और पुराना भोपाल पटियाबाजों की महफिल के लिए भी प्रसिद्ध है, नवाबी नजाकत और तहजीब के लिए भी जाना जाता है, और यहाँ गंगा जमुना तहजीब की तस्वीरें भी देखने को मिलती हैं। हम भोपाल के जहांगीराबाद के जिंसी चौराहे में इस वक्त पहुंचे हैं, और मैं आपको दिखाता हूं कि रमजान के पवित्र महीने में क्या कुछ खास यहां बिक्री के लिए उपलब्ध है। देखिए, ये फैनी है, फैनी काफी खाई जाती है, और फैनी के अलावा शीरमाल है, इसकी भी काफी डिमांड होती है। ये देखिए शीरमाल है, ये शीरमाल के भाव बेचते हैं आप? 20 रुपए का एक पैकेट या एक पीस? एक पीस। ओके, और फैनी क्या भाव देते हैं? 160 रुपए किलो। ये फैनी पैकिंग में भी होती है या सिवैया है? 100 रुपए किलो। अभी हम फालूदा लस्सी पर मौजूद हैं, इसी दुकान पर जो कि पूरी दुनिया में फेमस है और छाई हुई है। चाहे आप YouTube देख लें, फालूदा का नाम डालते ही भोपाल की हाजी होटल ही सामने आएगी आपको। यहाँ की खासियत देखिए, फालूदा बनाने का तरीका और इसमें डलने वाली जो चीज़ें हैं वो इस फालूदा को, लस्सी को खास बनाती हैं। फैजल भाई हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ कई सालों से लगातार काम कर रहे हैं। बचपन से ही इनकी जो होटल है इस पर बैठना इन्होंने शुरू कर दिया था। फैजल भाई, क्या खासियत है इसकी और इसमें डलता आखिर ऐसा क्या है जो लोगों को दूर दूर से खींचा चले आते हैं लोग? ये रबड़ी फालूदा होता है जी। इसके अंदर बहुत से आइटम डलते हैं, वो बतला नहीं सकते हम आपको जी।